गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो आपका पंजाब पीपीएससी का नायब तहसीलदार का जो पेपर हुआ है उसका हम लोग मैथ्स का जो क्वेश्चन है ना, एक तो उसका लेवल देखेंगे और दूसरा आपका उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो जो लोग ये पेपर देख के आए हुए हैं, ठीक है, वो लोग इसके सोल्यूशन को देख के अपने आंसर को मैच करा सकते हैं। ठीक है, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, नियर बाई 25 क्वेश्चन है, उन सबका मैंने सोल्यूशन देने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं पेपर के स्टैंडर्ड को भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके बड़े ही सिंपल आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके सच में अच्छे आए हुए हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन को समझने की। तो जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी सॉल्व करने जैसा है नहीं। सिंपल आपको क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है और चीज़ों को डायरेक्टली सॉल्व करना है। जैसे कह रहा है कि अभिषेक इन्वेस्ट रुपीज 10,000। अभिषेक कितने रुपए इन्वेस्ट करता है? 10,000 एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% फॉर वाई ईयर्स, यानी 6% के रेट पे सिंपल इंटरेस्ट पे करता है। द इंटरेस्ट इज पेड एनुअली, यानी जो आपका इंटरेस्ट है वो क्या है, एनुअली है। वैसे ये कैसा भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो जरूर फर्क पड़ता, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। करा जो भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें से वो आधे पैसे क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। यहाँ पर दिया हुआ स्पेंड हाफ, और जो आधा पैसा उसको क्या कर रहा है, बिना मतलब की बातें दिया कि एक बॉक्स में रख दे रहा है घर में। उस बॉक्स में पहले से कोई पैसे नहीं थे और बाद में भी कोई पैसे नहीं डाला जा रहा। करा धीरे धीरे बॉक्स में जो है वो 2400 रुपये इकट्ठे हो गए। तो कितने साल में इकट्ठे हुए, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 10,000 रुपये आपके हैं, इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका कितना है, 6%। तो मैं एक साल के अगर इंटरेस्ट की बात करूँ तो आप देखिए सीधे सीधे 600 रुपये हो गए 1 ईयर का इंटरेस्ट। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस 600 रुपये इंटरेस्ट में वो क्या कर दे रहा है कि जो हाफ पैसे हैं 300 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है उसको वो क्या कर दे रहा है, स्पेंड कर दे रहा है। और जो 300 रुपये हैं उसको जो इसने बॉक्स बना रखा है बी, उसमें डिपॉजिट कर रहा है हर साल। तो आप देखिए कि हर साल 300-300 रुपये डिपॉजिट होते होते कितने इकट्ठे हो जा रहे हैं, 2400 रुपये। तो आप खुद बताइए कि कितने 300 मिल के 2400 होंगे, यानी सीधे सीधे कितना हो जाएगा आपका, 8 ईयर्स। तो मेरे हिसाब से ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे समझाना था तो मैंने इतनी सारी बातें लिखी, आपको इसकी भी कोई लोड नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। आफ्टर कम्प्लीटिंग अ पर्टिकुलर वर्क, कोई काम है जिसको कम्प्लीट किसने किया है, सुमित एंड सुरेश ने, ठीक है, जिसको पूरा किया आपका सुमित एंड सुरेश ने। टुगेदर अर्न 4,340, इनको जो है वो 4,340 रुपये मिले दोनों को। हाउ एवर द अर्निंग आर टू बी डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्क, ऑब्वियस सी बात है जो जितना काम करेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे। आफ्टर द शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इट इज फाउंड दैट 8/15 ऑफ सुमित वर्क, यानी सुमित का जो 8/15 वर्क है, 8/15 ऑफ द सुमित अर्निंग एज इक्वल टू 2/5 ऑफ सुरेश अर्निंग, यानी जो भी इसकी अर्निंग मिली हुई है सुमित की, यहाँ पे कह रहा है कि इट इज फाउंड दैट 8/15 ऑफ सुमित अर्निंग, यानी सुमित की जो भी अर्निंग है, हमने सुमित ही लिखा, उसका 8/15 इक्वल है किसके, 2/5 ऑफ सुरेश अर्निंग। क्लियर, बस यही में सारा क्वेश्चन खत्म है। अगर मैं यहाँ से सुमित बाय सुरेश लिखूँ तो आप देखिए क्या होगा, ये 2/5, 15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी ये आपका बन गया 3/4। यानी सीधे सीधे सुमित और आपका सुरेश की जो अर्निंग का रेशियो बन गया वो क्या बन गया, 3:4। दोनों की मिलके अर्निंग कितनी यूनिट हो गई, 7 यूनिट, और इस 7 यूनिट की वैल्यू दी गई है 4,340। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7×42, 7×14, 620 यूनिट। करा हाउ मच डिड सुरेश अर्न, तो सुरेश का कितना है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4×6, 2480 रुपये। ठीक है, क्लियर। अच्छा एक बार, जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सोल्यूशन को मैच करा सके। सारे के सारे अर्थमेटिक जो भी आपके पंजाब के पेपर होने वाले हैं उन सारे चैप्टर्स को मैंने ऑलरेडी आपका यूट्यूब चैनल्स पे डाल रखा है, उसके बाहर आपके एग्जाम्स में कुछ भी आने वाले नहीं है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। करा द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 820। तो क्लॉक का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको तो आप तो फॉर्मूले से करते हैं, मैं इसको डायरेक्टली ऐसे बता रहा। कह रहा है कि 8:20 हो रहा है, तो जो मिनट हैंड है और जो आपका आवर हैंड है उसमें कितना एंगल बन रहा होगा। तो आप देखिए, 8:20 का मतलब सीधे सीधे जो मिनट हैंड होगा वो किस पे होगा, 4 पे होगा, और ये जो आपका आवर हैंड होगा वो 9 और 8 के क्या होगा, बीच में होगा। एकदम सिंपल सा एंगल पूछा जा रहा है। आपको पता है कि 8, एकदम मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कॉमन सेंस से, ठीक है, क्लियर। बाकी फॉर्मूले से तो आप लोग कर ही लिए होंगे, मैं एक सेंस की बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि हर एक के बीच में कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हमें टोटल कितने हो गए आपके, 3, सॉरी टोटल जो आपके बन गए वो 4 × 30, यानी 4 × 30 यानी 120 डिग्री। तो सीधे सीधे आपका हो गया, अगर ये 8 पे होता ये 4 पे होता, लेकिन ये इससे क्या है 20 मिनट आगे है। और आपको पता है आवर हैंड जो होता है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 20 मिनट में जो आपका इसका डिग्री होगा वो कितना होगा, 10 डिग्री। तो टोटल 120 और 10 क्या हो जाएगा आपका, 130 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बैग कंटेन्स 5 रेड 4 ग्रीन 6 ब्लू एंड 3 येलो बॉल। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। 2 बॉल्स को हमने क्या किया है, रैंडमली ड्रॉ किया। अब देखिए टोटल बॉल्स कितने हैं, 5, 4, 9, 6, 15, 3, 18। 18 में से हमें 2 बॉल निकालना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका आएगा कॉम्बिनेशन। जो लोग कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे उनको पता होगा, 18C2। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू, यानी हमें ब्लू बॉल नहीं चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, फिर हमारे फेवर में कितने हो गए, 5 + 4 9, 9 + 3 यानी 12C2। क्लियर। NC2, NCR जो होता है वो आपका कॉम्बिनेशन का होता है, जिसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ठीक है। बाकी चीजें आप लोग को एक कॉम्बिनेशन की पता होनी चाहिए। बाकी मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 12 × 11 इंटू फैक्टोरियल 10, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा तो ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल 2, नीचे आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ 18 × 17 × फैक्टोरियल 16 ओवर फैक्टोरियल 16 × फैक्टोरियल 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो फैक्टोरियल 10 से 10 कैंसिल, फैक्टोरियल 16 से 16 कैंसिल, फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल, फाइनली मेरे पास क्या आएगा, 12 × 11 / 18 × 17। इसको थोड़ा सा और मैं मिनिमाइज करूं तो 6 2 जा और 3 जा, यानी फाइनली क्या आ जाएगा आपका, 22/51। अब देखिए एग्जामिनर ना आपको बिना मतलब का इसमें परेशान करना चाह रहा है, कोई भी ऑप्शन आपसे मिल नहीं रहा है, क्योंकि इसने जो भी वैल्यू दिया गया है उसको इसने मिनिमाइज नहीं किया हुआ है। बात समझ में आ रही है, कोई भी वैल्यू आपका मिनिमम फॉर्म में नहीं दिया, और देखिए सारी वैल्यू कटने वाली है। जैसे अगर मैं इसको कटिंग करना चाहूँ तो 6 से अगर मैं इसको कट करूं तो 22 × 6 = 100, 6 × 25 = 51, तो क्या बन रहा है, 22/51। यानी वो बिना मतलब का आपका टाइम वेस्ट कराना चाह रहा था। या चाहे तो आप इसको 6 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, हम ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो आपका आंसर है या तो आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए, जैसे अभी देखिए 12/18 लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है, 2/3, ये भी आपका नंबर कटने वाला दिया हुआ है, ये भी नंबर आपका कटने वाला दिया हुआ है, तो या तो आप इससे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं या इसको कटिंग करके चेक कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। करा रियान रन एट 40 मीटर पर मिनट, रोहित फॉलो हिम आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स एंड रन एट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर मिनट। रोहित डॉग रन एट स्पीड ऑफ 60 मीटर पर मिनट एंड स्टार्ट अलोंग विथ रोहित। द डॉग रीचेज रियान एंड देन कम बैक टू रोहित एंड कंटिन्यू टू डू स्टिल रीचेज रियान। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द डॉग इन मीटर्स। अब देखिए पहली बार में अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो आप इस क्वेश्चन को ही पढ़ के छोड़ने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हैं कि वो दे रहा है कि पहले, सबसे पहले कौन चल दिया, रियान चल दिया, उसके 5 मिनट के बाद कौन चल दिया आपका, रोहित चल दिया, रोहित के साथ उसका कुत्ता भी चल दिया, कुत्ता क्या कर रहा है, रियान से रोहित, रोहित से रियान, ऐसे 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 कर रहा है। अब पूछ रहा है कि जो आपका डॉग है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे ना तो देखने के साथ ही इसको छोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिन लोगों ने कभी मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास लगाई होगी ना तो मैंने क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस में ऐसा कराया हुआ है कि एक चिड़िया है वो एक ट्रेन से उड़ के दूसरे ट्रेन पर जाती है, दूसरे ट्रेन से उड़ के इस ट्रेन पर आती है, ऐसे ऐसे करती रहती है, और पूछा गया है कि उस चिड़िया ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो कहीं ना कहीं ये उसी कॉन्सेप्ट पे है। अब देखिए आपसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, डिस्टेंस। देखिए कितना सिंपल, अगर आप इसको सोचेंगे
तो बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्लियर? किसका डिस्टेंस पूछा गया है? डॉग का। तो ऑब्वियस सी बात है डॉग की स्पीड चाहिए। डॉग की स्पीड आपके पास कितनी है? 60 मीटर पर मिनट। अब हमें ये पता चल जाए कि जो डॉग है वो कितने देर तक चलता रहा, इधर से इधर, इधर से चलता, तो डॉग कब तक चल रहा है? जब तक रियान और रोहित मिल नहीं जा रहे हैं। क्लियर? रियान और रोहित जैसे ही मिलेंगे, ये कितनी देर में मिल रहे हैं, जितनी देर नहीं मिलेंगे उतनी देर ये चलता रहेगा। तो ऑब्वियस बात है, मान लीजिए ये 10 मिनट बाद मिले तो ये 10 मिनट चलेगा, वो 20 मिनट बाद मिले तो ये 20 मिनट चलेगा, वो आधे घंटे बाद मिले तो ये आधे घंटे बाद मिले चलेगा। तो ये जितनी देर चलेगा उतना इसका हमें डिस्टेंस क्या कर लेना है? फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जैसे मान लीजिए मैं इधर से चल रहा हूँ, कोई इधर से चल रहा, और यहाँ से कोई ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 करता जा रहा है, कब तक? जब तक हम दोनों लोग ना मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना देर इधर उधर करता रहेगा? जितनी देर में हम लोग मिलेंगे। तो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो आपका रियान है और रोहित दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका रियान है उसकी जो स्पीड है वो क्या है आपका? 40 मीटर पर मिनट। इसके 5 मिनट बाद कौन चला? रोहित चला। किस स्पीड से? 50 मीटर पर मिनट। क्लियर? तो हमें यह पता करना है कि रियान और रोहित कब मिलेंगे। जैसे ही मिलेंगे उस टाइम को हम क्या करेंगे? इसके स्पीड के साथ मैच करा देंगे, काम खत्म। तो अब देखिए कि जब आपका रोहित स्टार्ट करेगा तब तक रियान इससे 5 मिनट आगे गया होगा। तो 5 मिनट में ये कितना आगे जाएगा? एक देखिए कि इसकी स्पीड क्या है? 40 मीटर पर मिनट। अब ये ट्रेन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 5 मिनट में कितना जाएगा? 200 मीटर ये आगे होगा। क्लियर? अब दोनों का जो डायरेक्शन है वो आपका क्या है? सेम डायरेक्शन है। तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड आपका क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो 50 और 40 यानी रिलेटिव स्पीड जो बनेगा वो बनेगा 10 मीटर पर मिनट। रिलेटिव जो डिस्टेंस है स्पीड से मिलने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है? 200 मीटर। ओवर टाइम, तो यहाँ से टाइम की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी? 20 मिनट। यानी जो डॉग है वो 20 मिनट तक घूमता रहेगा। कोई बात नहीं, डॉग की स्पीड कितनी है? 60। और ये 20 मिनट तक इधर से उधर करता रहा यानी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1200 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ दम था ही नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो आई थिंक आपको ये कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं थी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रेन का दिया हुआ है। कह रहा है टू ट्रेन ए एंड बी आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी दोनों ट्रेनें जो है वो आपके किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ट्रेन ए क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 27। ट्रेन ए, तो हमने मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन ए की SA। क्रॉसेस अ मैन, मैन को क्रॉस कर रही है तो प्लेटफॉर्म के लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर बोल रहा है ट्रेन ए क्रॉसेस मैन। वो कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया है? स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैन की जो ट्रेन है उसकी डिस्टेंस को क्रॉस करना अपने डिस्टेंस को, तो इसकी डिस्टेंस भी हमें नहीं पता, तो हमने ले लिया DA। कितने टाइम में? 27 सेकेंड में। क्लियर? वाइल ट्रेन बी, दूसरी ट्रेन, उसकी स्पीड को हमने ले लिया SB। इसका भी लेंथ नहीं पता तो इसको हमने ले लिया DB। सेम मैन, मैन है तो ऑब्वियस ही बात है 17 सेकंड में कर रहा है। ठीक है, ये दो चीजें बन गई। कह रहा है कि कितनी देर में वो एक, अच्छा हाँ, इफ दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकंड। अब देखिए जब इनका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो स्पीड क्या हो जाता है? एड हो जाता है। क्लियर? डिस्टेंस ऑब्वियस ही बात है दोनों का एड होगा DA + DB। ओवर कितना टाइम लग रहा है? 23 सेकंड। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है स्पीड ए रेशियो स्पीड ई की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या होती है जिससे आपका टाइम बढ़ जाता है। बड़े सारे बच्चे क्या करेंगे कि स्पीड ए की वैल्यू DA/27 यहाँ पुट करेंगे और DB/17 यहाँ पुट करेंगे, फिर 27-17 का एलसीएम लेंगे। अब बहुत सारा सर पीटने के बाद भी आपको क्या आएगा? दोनों की डिस्टेंस का रेशियो आएगा और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? स्पीड का रेशियो। तो हम इस तरह की कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे डिस्टेंस निकालेंगे। तो DA की अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा 27 ऑफ स्पीड ए, और डिस्टेंस ऑफ बी की बात करूं तो ये बन जाएगा 17 इंटू स्पीड ऑफ बी। इस वैल्यू को लाके यहां पे पुट कर दीजिए, 23 का क्रॉस मल्टीप्लाई मान लीजिए 23 स्पीड ए + 23 स्पीड बी = 27 स्पीड ए
प्लस 17 स्पीड बी। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो 17 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 6 ऑफ स्पीड बी, और ये 23 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 4 ऑफ स्पीड ए। स्पीड ए ओवर स्पीड बी, तो ये देखिए 6 डिवाइड होगा 4 से, यानी फाइनली क्या बन जाएगा आपका 3/2, यानी ऑप्शन फर्स्ट। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का अच्छा सा क्वेश्चन था ये, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। पिछला क्वेश्चन भी आपका मॉडरेट लेवल का था, फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था, सेकंड क्वेश्चन जो आपका क्लॉक वाला था वो भी इजी था, तो कहीं ना कहीं जो आपका पेपर का लेवल चल रहा है वो आपका इजी टू मॉडरेट चल रहा है अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हाँ इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। करा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग, मतलब 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, इंडिविजुअल बाई 3 और 5। इसमें बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये मैं अपनी क्लास में भी क्वेश्चन आपका कराता हूँ नंबर सिस्टम में। करा इंडिविजुअल बाई 3 और 5, मतलब 3 से भी हो या 5 से भी हो, तो देखिए 100 तक डिवाइड होने वाले जो नंबर होंगे सिर्फ 3 से अगर मैं बात करूँ, तो आपको पता होगा 3, 6, 9, 12, तो सीधे सीधे हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे 33। यानी जो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं वो टोटल कितने हैं 33 है। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, सीधे सीधे 100 को क्या कर दीजिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, 33 99, यानी 99 लास्ट नंबर होगा, तो टोटल कितने नंबर डिवाइड हो गए 3 से 33। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 5 से, तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने हो गए आपके 20। यानी पूछा है 3 और 5, तो 3 और 5 यानी दोनों को ऐड करेंगे तो 53, और ऑप्शन आपको पहला दिया हुआ 53, तो आधे लोग क्या करेंगे यहीं पे आंसर 53 टिक कर देंगे, जो कि क्या है गलत आंसर है। उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे देखिए 3 और 5 बोला है तो इन दोनों में कई ऐसे नंबर हैं जिनको आपने दो बार काउंट कर दिया, लाइक 15 वो 3 के भी डिविजिबिलिटी में आया होगा और 5 के भी डिविजिबिलिटी में आया होगा, 30 इसमें भी आया होगा, इसमें भी आया होगा, 45 इसमें भी आया होगा, 45 इसमें, यानी ये मैं कैसे ढूंढ रहा हूँ 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो आपको ढूंढना पड़ेगा वो नंबर जो 15 से डिवाइड हो, तो 15 से डिवाइड होने वाले टोटल नंबर कितने हैं 6। लाइक मैंने एग्जांपल लिखा है 15, 30, 45, तो आप देखिए ये जो नंबर है ये है तो एक ही, लेकिन आपने इसमें भी काउंट कर लिया, इसमें भी काउंट कर लिया है, तो एक जगह इसको क्या करना पड़ेगा माइनस, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 47। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बस ये था कि छोटा सा इसमें आपको लॉजिक लगाना था कि दोनों के कंबाइंड वाले को भी आपको क्या करना था अलग करना था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ बास्केट द रेशियो ऑफ ऑरेंज ग्वावा एंड जैकफ्रूट इज 2:3:5। कोई बास्केट है उसमें आपका क्या दिया हुआ है ऑरेंजेज ग्वावा और जैकफ्रूट। क्वेश्चन परसेंटेज का कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, परसेंटेज में क्वेश्चन हो तो वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्स वाई जेड मत लगा लीजिएगा, 200 ले लिया ये मैंने, 300 ले लिया ये मैंने, 500 ले लिया, टोटल फ्रूट कितने हो गए मेरे 1000। करा राम जो है बंदा वो 60% फ्रूट खा गया, यानी 1000 में से उसने क्या किया भाई 600 खा गए, क्लियर। अब 600 जो है वो बास्केट से खाया उसने, हो सकता है 500 ये खा लिए हो, 100 इसमें से खा लिए, वो कैसे भी खा सकता है, ठीक है। अब कैसे खाया वो कंडीशन दे रहा है 40% ऑफ ग्वावा रिमेनिंग, यानी 600 तो ये हो गया भाई खा चुका है। करा जो ग्वावा है यहाँ पे अगर मैं रिमेनिंग की बात करूँ तो ग्वावा जो है वो 40% बचा हुआ है, 40% का मतलब कितना बचा हुआ है भाई 80, यानी कहीं ना कहीं जो ग्वावा है, अच्छा ग्वावा इधर है भाई एक मिनट, एक मिनट, करा 40% ऑफ द ग्वावा रिमेनिंग, ग्वावा 40% बचा हुआ है, यानी कितना बचा हुआ है 120, यानी डेफिनेटली उसने 180 ग्वावा तो वो खा चुका है, खाने वाला हमने नीचे लिखा हुआ है ना, यानी 40% ऑफ ग्वावा रिमेनिंग, यानी 120 ग्वावा बचा हुआ, यानी खाया हुआ ग्वावा कितना 180, यानी ग्वावा में से तो 180 खा चुका, अभी भी उसको कितने पूरे करने हैं 600 पूरे करने हैं। एटलीस्ट व्हाट परसेंट ऑफ जैकफ्रूट डिड राम ईट, यानी इसको जो सन काउंटिंग रखनी है उसको मिनिमम रखनी है, बात समझ में आ रही, इसकी काउंटिंग को उसको क्या रखना है मिनिमम रखना, कह रहा है कि एटलीस्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ जैकफ्रूट डिड राम ईट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम,
तो ऑब्वियस बात है इसकी काउंटिंग फिक्स है, इसको आपको मिनिमम रखना है, तो इसको आपको क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो जो आपका ऑरेंज है वो मैक्सिमम कितना खा सकता है, 200 खा सकता है, इससे ज्यादा खाएगा कहाँ से भाई, इससे ज्यादा है ही नहीं तो खाना कहाँ से है। तो 200 उसने मान लीजिए ऑरेंज खा लिए, 180 गुआवा खा लिए, ठीक है, तो 200 और 100 कितना हो गया, 380, तो वो खा चुका और टोटल खाए कितने हैं उसने 600, तो 380 तो पूरा हो गया, अभी बचा हुआ कितना है उसके पास, 220 और खाना है उसको, तब तो जाके उसकी गिनती पूरी होगी 600। क्लियर है ये बात, जैकफ्रूट को मिनिमम करना है तो हमें ऑरेंज को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो ऑरेंज मैक्सिमम कितना खा सकता है, जितने हैं उतने, टोटल उसने 600 खाए हैं तो 180 ये क्या था, फिक्स था, इसको मिनिमम करना था तो इसको हमने मैक्सिमम कर लिया, यानी कम से कम जैक फ्रूट उसको 220 खाने पड़ेंगे। कह रहा है कितना परसेंट खाया, तो 220 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, दैट इज 44%। क्लियर, चलिए तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था जहां पे आपको थोड़ा सा पॉसिबिलिटी चेक करना था। देखिए ये जो भी आपके क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई 2 महीने और 3 महीने की तैयारी करके ना इस पेपर के मैथ्स को सॉल्व कर लेगा, नहीं, इसमें पेपर उसी से सॉल्व होगा जिसने कम से कम 6 महीने 1 साल तक मेहनत किया हुआ, मिनिमम 6 मंथ तो आपकी मेहनत रही होगी तभी इसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये 1 महीने 2 महीने वाली तैयारी वाले क्वेश्चन नहीं है। चलिए अब देखते हैं, हम लोग कह रहा है रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ डायमेंशन 10 8 8, यानी जो रेक्टेंगुलर कोई फ्लोर है उसका जो डायमेंशन है वो है आपका 120x96 का है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हैज टू टाइल यूजिंग द सेम टाइप, ये दोनों एक ही दिया हुआ, यहाँ पे बेटा इसको इंच में कन्वर्ट कर दिया गया है, स्क्वायर टाइल्स इसमें लगानी है, स्क्वायर टाइल्स जो बड़े सारे डायमेंशन में 1 इंच 2 इंच 3 इंच ऐसे है, व्हाट इज द साइज ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल दैट कैन, कह रहा है कि इसमें कितनी बड़ी से बड़ी टाइल्स लगाई जाए जो दोनों साइड एग्जैक्ट सेट हो जाए। अब देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, है क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, यानी ऐसी टाइल्स चाहिए जिसकी लेंथ इधर से भी मैच हो जाए इधर से भी मैच हो जाए, यानी जिन लोगों ने भी SCF LCM पढ़ा होगा उनको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा, यानी टाइल्स की लेंथ वो होनी चाहिए जो 120 को भी कट कर दे और 96 को भी कट कर दे, तो 120 और 96 का जो आपका SCF होगा वो सीधे सीधे दिख रहा है 24। क्लियर, तो जो लोग SCF पढ़े होंगे उनको पता होगा, क्योंकि आपको इधर से भी टाइल्स को सेट करना है और इधर से भी टाइल्स को सेट करना है, यानी टाइल्स की ऐसी लेंथ चाहिए जो 120 को भी डिवाइड करे और 96 को भी डिवाइड करे और वो भी क्या हो, मैक्सिमम। क्लियर, लार्जेस्ट स्क्वायर टाइल लिखा हुआ था, मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा इजी लेवल था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, टैंक है 3 पाइप्स, एक टैंक है उसमें कितने पाइप है भाई, 3 पाइप है, पाइप एक्स वाई पाइप जेड अटैच, पाइप एक्स एंड वाई अलोन फिल द टैंक इन 4 आवर्स एंड 8 आवर्स, ठीक है, एक्स जो है वो क्या कर रहा है आपका 4 आवर्स में फिल कर रहा है, फिल द टैंक इन 4 आवर्स, एक्स एंड जेड होना चाहिए, एक्स एंड जेड, ठीक है, अलोन 4 एंड 8 आवर्स, पाइप वाई एंड एम्प्टी, हाँ ठीक है, एक्स जो है वो आपका 4 आवर्स में फिल कर रहा है, जेड जो है वो आपका कितने आवर्स में फिल कर रहा है, 8 आवर्स में फिल कर रहा है, और जो वाई है वो आपका 6 आवर्स में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी एम्प्टी का काम कर रहा है वाई, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं टोटल वर्क बनाऊँ तो वो क्या बन जाएगा आपका 24 लीटर्स, 4 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 लीटर्स आवर में है, 6 लीटर पर आवर, इससे करेंगे तो ये 3 लीटर पर आवर, और इससे करेंगे तो ये खाली करेगा 4 लीटर पर आवर। क्लियर, यहाँ तक तो ये बात बन गई। करा शुरू में जो टैंक है वो क्या है, एम्प्टी है, द 3 पाइप्स ऑपरेशन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी वो बता रहा है, पाइप्स एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, जिन लोगों ने पाइप्स एंड सिस्टम पढ़ा होगा उनसे बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। करा भाई फर्स्ट आवर, पहले घंटे, या समझिए पहले घंटे क्या हो रहा है भाई, ओनली एक्स इज ओपन, तो ऑब्वियस बात है एक्स आएगा कितना भर के चला जाएगा 6 लीटर। इन द सेकेंड आवर, यानी ये खुद सिक्वेंस बना रहा है कैसे कैसे काम करना है, सेकेंड आवर पाइप एक्स एंड वाई आर ओपन, तो x आएगा तो 6 लीटर भरेगा, इसके साथ y आएगा 4 खाली करेगा, यानी कितना काम होगा 2 लीटर। इन द थर्ड आवर ओनली y इज ओपन, तो y जब ओपन होगा तो भाई चुपचाप ये क्या करेगा, खाली करेगा, यहां तक तो ये पॉजिटिव था, यहां पे ये क्या करेगा, खाली करेगा तीसरे घंटे में। फोर्थ आवर में क्या हो रहा है, इन द फोर्थ आवर पाइप y एंड z आर ओपन, y एंड z,
तो वाई करेगा आपका -4 और जेड करेगा 3, यानी फिर से क्या होगा आपका -1। इन द फिफ्थ आवर ओनली जेड इज ओपन, और जो पांचवा घंटा है उसमें कौन ओपन हो रहा है भाई, ओनली जेड इज ओपन, तो जेड ओपन होगा तो कितना होगा 3 होगा। कह रहा है दिस साइकिल ऑफ 5 आवर्स इज रिपीटेड, मतलब ये साइकिल चलता रहेगा कब तक, जब तक 24 लीटर भर ना जाए। कह रहा है एट आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल कंप्लीटली फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कब टैंक पूरी तरह से भरेगा। तो कोई बात नहीं, भरते हैं तो हम देखते हैं कि 5 आवर्स में जो वर्क है वो 6 और 2 8 और 3 11, 11 माइनस 5 यानी कितना हो रहा है 6 लीटर का काम हो रहा है। ध्यान से देखा जाए यानी हम देख रहे हैं कि 5 आवर्स में 6 लीटर का काम हो गया। क्लियर, जो आपका 5 आवर्स है उसमें कितना हो गया 6 2 8 3 11, ठीक है, और 11 में से 5 चला गया यानी 6 लीटर भरा जा रहा है 5 घंटे में। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी देर में आपका पाइप जो होगा वो पूरा भर जाएगा। क्लियर, पहली बार यही दिया हुआ है, 6 भर गया, 6 2 8 3 11, 11 माइनस 5 यानी 6 5 3 6 3 18, हाँ ठीक है। चलिए अब इसको हम चलाते हैं, ये 5 आवर्स हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 5 आवर्स में ये हो गया, अगले 5 आवर्स की बात करूं तो मैं फिर से 6 लीटर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम भरना, ये नहीं कि भरने के बाद खाली करते रहे। फिर अगला अगर मैं 5 आवर्स लाता हूँ तो कितना हो गया आपका 6 लीटर्स हो गया। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जो आपके 15 आवर्स हैं उसमें 18 लीटर पानी भरा जा चुका है। जिन लोगों ने पाइप्स एंड सिस्टम मेरे से पढ़ा होगा उसमें बताया था कि जब पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क होता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है कि पॉजिटिव वर्क को हम साइड में रखते हैं। तो 15 आवर्स हो गए और 18 लीटर आपका पानी भरा जा चुका है। जैसे ही 15 आवर्स, मतलब ये 3 सर्कल ऐसे ऐसे पूरे हो गए इनके, जैसे ही 16वां घंटा आएगा किसका काम आएगा इसका, और ये आएगा तो 1 घंटे में अपना 6 लीटर पानी भर देगा, नहीं भर देगा। तो पहली बार जो टैंक भरेगा वो 16 आवर्स में 24 लीटर भर गया, नहीं भर गया। और क्वेश्चन यही पूछा गया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो लोग पाइप्स एंड सिस्टम किए होंगे, एक मंकी वाला भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ अक्सर, तो टोटल जो टाइम लगेगा वो आपका कितना लग जाएगा 16 आवर्स। ये नहीं कि आप एक सीक्वेंस चलाते रहेंगे 6 चौके 24 और 20 घंटे, नहीं, ये 20 घंटे आंसर भी दिया हुआ है लेकिन टैंक यहीं पे भर जा रहा है जैसे ही आपका 16 आवर्स आ रहा है। देखिए 6 2 4 1 3, फिर 6 2 4 1 3, यहाँ तक देखिए 18 लीटर भर चुका है, और जैसे ही अगला टाइम आएगा ये 6 लीटर भर देगा, तो 18 और 6 कितना होगा 24। और अगर आप बार बार पैटर्न चलाएंगे तो आप इसके बाद से ओवरफ्लो कराएंगे, फिर खाली कराएंगे, फिर खाली कराएंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है फर्स्ट टाइम, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 16 आवर्स। क्लियर, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुनील परम एंड विकास ड्राइव एट 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। सुनील परम एंड विकास जो है वो किस स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ये तीनों की स्पीड दिया हुआ। सुनील स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए फॉर बी, परम स्टार्ट पॉइंट ए 2 आवर्स आफ्टर सुनील, यानी परम जो है वो क्या कर रहा है आपका परम, वो इसके 2 घंटे बाद, और विकास ओवरटेक सुनील एट द सेम इंस्टेंट। ठीक है, सुनील एंड विकास ओवरटेक सुनील एट द सेम, हाउ मेनी आवर्स आफ्टर सुनील डज विकास लीव पॉइंट ए, यानी ये कह रहा है कि तीनों एक ही पॉइंट से चल रहे हैं, सबसे पहले कौन चला है सुनील। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, किस स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके बाद से चला है आपका परम इसके 2 घंटे बाद। कोई भी इसको टाइम में जूम कर लीजिए, मान लीजिए 10 बजे चला होगा तो ये चला होगा कब 12 बजे, किस स्पीड से 50 किलोमीटर, और इसके कुछ टाइम के बाद, अब ये टाइम नहीं दिया, कौन चला है विकास, किस स्पीड से 80 किलोमीटर। कह रहा है कि तीनों जो हैं वो एक ही जगह पे मिल जा रहे हैं इंस्टेंट, तीनों एक ही पॉइंट पे क्या हो गए आपका मिल गए, विकास ओवरटेक साइड द सेम इंस्टेंट दिया हुआ। कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स सुनील डज विकास लिव, यानी सुनील के कितने घंटे के बाद विकास चलना शुरू किया। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप करने जाएंगे ना, जो मैं बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में आएगा, आप क्या करेंगे, पहले सुनील और परनम को मिलाने की कोशिश करेंगे, सुनील और परम को, फिर देखेंगे कि यह कैसे हो रहा है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं करना है, एकदम मजेदार चीज बता रहा हूँ, टाइम स्पेस डिस्टेंस में मैं बार बार समझाता हूँ।
तीनों के द्वारा कवर किया हुआ डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है या नहीं है। अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो आपको अच्छी तरह से पता है कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। बस इसी पे ये सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों जो है वो आपके क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेस पे मिल रहे हैं। एक ही प्लेस पे मिलने का मतलब तीनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सुनील की जो स्पीड है वो क्या है, ये हो गया सुनील 20। परम की जो स्पीड है वो क्या है, 50। और जो विकास है उसकी स्पीड क्या है, 80। अब हम बना रहे हैं स्पीड और टाइम का। आप सबसे पहले इसको क्या कर दीजिए, मिनिमाइज। इनको बनाना है आपका रेशियो। तो दो रेशियो होता था तब तो आप 5 और 3 है, तो कुछ मत करिए, इनका ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, 2, 5, 8 का, तो ये बन जाएगा 20, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा 5। ये इनके टाइम का गैप आ गया, क्लियर। यानी सुनील किसी काम को अगर 20 घंटे में करेगा तो उसी काम को परम 8 घंटे में और उसी काम को विकास 5 घंटे में। हमसे जो पूछा गया है वो सुनील और इसके बीच का पूछा गया, यानी कितने यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, 15 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है, क्लियर। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं, एकदम मजेदार सा क्वेश्चन है, हंसते हंसते होने वाला है। जो लोग स्पीड टाइम पढ़े होंगे, टाइम स्पीड से, उनको पता होगा कि ये सीधे सीधे इनवर्स होता है। आपको जो दिया गया है 2 आवर्स, वो किसका टाइम है, सुनील और परम का। सुनील और परम के बीच में कितने यूनिट का गैप है, 12 यूनिट। 12 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब कंफ्यूजन हो तो आप इसको लिख लीजिए 120 मिनट। तो 12 यूनिट की वैल्यू 120 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट, तो 15 यूनिट की वैल्यू 150 मिनट। और 150 मिनट का मतलब होता है 2 आवर्स 30 मिनट। यानी सुनील और विकास के बीच में जो टाइमिंग का गैप होगा वो कितना होगा, 2 आवर्स 30 मिनट, यानी 2.5 आवर्स। बाकी किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका लंबा होगा। ये क्वेश्चन आपका सबसे बेस्ट वे से मैंने कराने की कोशिश की है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन लोगों को भी ये बात न समझ में आया वो हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर देख सकते हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें ऐसे मैंने बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, जितना हो सके उतना सेशन को शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेखा मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन टू एक्सरसाइज ऑन January 1st 7 AM, सी वेंट टू अ जॉगिंग फॉर इज गवर्नमेंट नियर बाई पार्क एंड बैक रिटर्निंग इतना। ऑन January 2nd सी वेंट टू जॉगिंग द पार्क बट दे वॉक बैक कंसेक्यूटिव सेकंड। देखिए क्वेश्चन ऐसा ही है, अगर आप हमारी PDF भी देखेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे एक होता है कि एक बंदा होता है जॉगिंग करते हुए जाता है, साइकिल से आ जाता है, साइकिल से जाता है जॉगिंग करते हुए आ जाता है, दोनों साइड साइकिल से जाए तो क्या टाइम लगेगा, दोनों साइड जॉगिंग करते हुए जाए तो क्या टाइम लगेगा। ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, इतना सारा पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। कह रहा पहले दिन वो क्या करी भाई, जॉगिंग करते हुए गई और जॉगिंग करते हुए 7 बजे गई थी, कब आ गई, 7:32 पे। यानी उसको टोटल टाइम कितना लग गया, 32 मिनट्स। अगले दिन जॉगिंग करते हुए गई और वॉक करते हुए आई, कितना टाइम लग गया, 40 मिनट। करा ऑन January 30th वॉक करते हुए गई और वॉक करते हुए आई, कितना टाइम लगेगा, क्लियर। अब देखिए इसमें है क्या यार, कुछ भी नहीं करना है भाई, चलने का जो डेली का उसका हिसाब किताब था वो 7 बजे ही था। पहले दिन जोश जोश में थी तो दोनों साइड जॉगिंग किया, दूसरे साइड जॉगिंग और वॉकिंग, और तीसरे दिन क्या हो गया भाई, दोनों साइड उसकी जॉगिंग शुरू हो गई। अगर इस क्वेश्चन को मोटा मोटा दिमाग लगाएंगे, जैसे बड़े सारे लोग इसमें करने लगेंगे, 2J की वैल्यू 32 तो 1J की वैल्यू 16, तो यहाँ पे 16 पुट करेंगे तो इसे 1W की वैल्यू निकलेगी, 24 आ जाएगी, फिर उसका डबल कर देंगे 48 आ जाएगा, वो भी आंसर सही है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे J से W हुआ कितना बढ़ गया, 8, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये तो भाई सेम है और ये J से W हो रहा है तो कितना बढ़ जाएगा, 8, तो 40 और 8 कितना हो गया, 48 मिनट। यानी वो कब आएगी, 7:48। तो क्वेश्चन में 7:48 दिया नहीं है, क्या पूछा गया है, बिटवीन 7:45 एंड 7:49, इसी के बीच में आपका आएगा 7:48। देखिए एकदम मोटा मोटा दिमाग, ऐसे जिन लोगों को न समझ में आए वो बेसिक से कर सकते हैं, J प्लस J, 2J की वैल्यू 32 तो 1J की वैल्यू 16, फिर J की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पुट करेंगे तो W निकलेगा, फिर W का डबल करेंगे आएगा। मैंने क्या बोला कि J से क्या हो रहा है W, तो 8 मिनट बढ़ गया, तो यहाँ तो ये सेम है,
और यहाँ फिर ये जे से डब्ल्यू तो 8 मिनट और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48 मिनट, यानी 7 बजे चली थी तो 7:48। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा ऑन बाइंग अ पेन द शॉपकीपर गिव्स 3 रिफिल फ्री, यानी अगर आप एक पेन खरीदते हैं, एक पेन अगर आप खरीदते हैं तो शॉपकीपर जो है वो आपको 3 रिफिल फ्री देता है, ठीक है, ऑन बाइंग अ पेन एंड 6 रिफिल। लेकिन वहीं अगर आप एक पेन और 6 रिफिल खरीदते हैं तो वो आपको क्या कर रहा है, द शॉपकीपर गिव्स एडिशनल 4 रिफिल फ्री। तो 4 रिफिल फ्री देने का मतलब कॉमन सेंस क्या बना कि भाई 3 रिफिल तो एक पेन पे होगा और 1 रिफिल इस पे होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है सबको कि भाई फर्स्ट कंडीशन ये दिया हुआ है, इसी कंडीशन से हमने सेकंड कंडीशन उठा ली। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है। कह रहा है कि भाई ऑन बाइंग अ पेन एंड 6 रिफिल द शॉपकीपर गिव्स एडिशनल 4 रिफिल फ्री। तो आपने एक पेन और 6 रिफिल खरीदा तो आपको 4 रिफिल फ्री मिले। ऑफर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इफ द इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज सेम इन बोथ केस, यानी इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो है वो सेम है, जो डिस्काउंट यहाँ पे था एक पेन पे 3 रिफिल वही यहाँ पे भी, यानी मोटा मोटी आप कह सकते हो ना कि 6 रिफिल पे उसको 1 ही रिफिल फ्री मिल रहा है। कह रहा है हाउ मेनी रिफिल्स विल बी इक्वल इन वैल्यू और टू अ पेन, तो बहुत आसान है। आप देखिए ये एक्चुअल है और ये क्या है भाई, फ्री वाला है। तो 1 रिफिल फ्री का मतलब एक्चुअल 6 रिफिल, लेकिन रिफिल को किससे कन्वर्ट करना है, पेन से। तो इस यहाँ पे आपको पता है कि 3 रिफिल फ्री का मतलब एक पेन, तो अगर मैं इसको 3 रिफिल बनाऊंगा तो यहाँ भी 3 होगा, तो 3 × 6 = 18 रिफिल इक्वल टू 3 रिफिल फ्री। तो 3 रिफिल फ्री का मतलब एक पेन और 3 रिफिल फ्री का मतलब 18 रिफिल। तो एक पेन की जो वैल्यू है वो 18 रिफिल के इक्वल हुई या नहीं हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, कॉमन सा सेंस लगाना है कि एक पेन पे 3 रिफिल फ्री है, एक पेन और 6 रिफिल पे 4 फ्री है, तो 3 रिफिल तो चला गया इस पे, यानी 1 रिफिल हो गया। 6 रिफिल पे 1 रिफिल फ्री है, हमें रिफिल को पेन से रिप्लेस करना है, तो 3 गुना करेंगे तब जाके एक पेन बनेगा। तो इसको हमने 3 गुना किया तो ये कितना बन गया, 18 रिफिल। इसका मतलब एक पेन इक्वल टू 18 रिफिल। क्लियर, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है किसका भाई, ग्राफ का। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस इन एवरेज प्लेसमेंट परसेंटेज ऑफ कॉलेज एक्स एंड वाई, ये प्लेसमेंट दिया हुआ है कॉलेज एक्स और वाई का, वो भी किसमें पूछा गया भाई, एवरेज भी पूछा गया है और परसेंटेज भी पूछा गया है। ये आपका परसेंटेज दिया हुआ है जो आपका ग्राफ है, ठीक है, एक्स और वाई का। जो पहली वाली वैल्यू है वो एक्स की है और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो क्या है, वाई की है। एवरेज निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंस पूछा गया है तो पहले डिफरेंस देखिए। अब इसमें होता क्या है, इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग क्या करेंगे ना, एक्स को अलग ऐड करेंगे, वो भी एक तरीका है, और वाई को अलग ऐड करेंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मेरा जो तरीका वो क्या है कि आप डिफरेंस पे खेल लीजिए, किसी एक को बड़ी वैल्यू मान लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाई ज़्यादा दिखता है तो एक्स और वाई का चूंकि फाइनली क्या है, डिफरेंस निकालना है, तो किसी एक को ज़्यादा लें। जैसे यहाँ पे वाई जो है वो x से कितना ज्यादा, मैं सीधे सीधे डिफरेंस पे कर रहा हूँ, तो 68 और 80 70 18 13 2 15 यानी पहले आ गया प्लस 50। y हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं 37 39 यानी प्लस 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे नीचे चला गया 9 में से 3 गया 6, माइनस 16 कहाँ चला गया, ये नीचे चला गया। फिर यहाँ पे फिर से नीचे जा रहा है कितना, 4 और 6 में से 4 गया 2। समझ में आ रहा है, आप सीधे सीधे मैं गैप ले रहा हूँ क्योंकि फाइनली हमें डिफरेंस निकालना है, तो मैं इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने में विश्वास नहीं करता, मैं सीधे सीधे क्या कर ले रहा हूँ, डिफरेंस ले ले रहा हूँ। फिर ये 76 से 48 यानी 50, 26 और 2 28, फिर से 28 पीछे गया, एक्स और वाई का ही था ना, हाँ जी ये 28 पीछे गया। फिर 23 से कहाँ चला गया, 77 पे, यानी कितना बढ़ गया है आपका, प्लस 54। और फिर ये 65 से कहाँ पे आ गया, 38 पे, यानी 40, 25 और 2 27 माइनस में। बस अब आप देख लीजिए जो डिफरेंस आ रहा है, टोटल कितने साल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो 15 2 17 और 24, बाकी सारे आपके माइनस में ही हैं, तो 16 24 40 40 और 28 68 68 7 75 20 95 आ गया आपका माइनस में, और 15 2 17 50 54 7 61 10 71 आ गया प्लस में।
तो 5, 1, 4, 9, 7, 2 यानी 24 का आपका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें मत बोलिएगा कि सर माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है, भाई डिफरेंस है, डिफरेंस का कोई साइन नहीं होता। तो 24 आ गया और इसको किससे डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 तरीके 21। जैसे ही 3 आया एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 7 तरीके 21, 3 0 7 4 28, 2 0 7 2 14, 3.42% का क्या है डिफरेंस है, क्योंकि ऑलरेडी जो वैल्यू दी गई है वो किसमें दी गई है, परसेंटेज में। तो ये निकालने का एक आसान सा तरीका है कि आप सीधे सीधे क्या कर लीजिए, डिफरेंस को ही कैलकुलेट कर लीजिए। अदरवाइज एक तरीका है कि सारी एक्स की वैल्यू को आप क्या करते जाएं, एक साथ प्लस करें, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। फिर सारी वाई की वैल्यू को एक साथ प्लस करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो आएगा उसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, फिर भी आंसर आपका यही आएगा जो मैंने बताया है। क्लियर? तो आई होप आप एक नई चीज सीखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहना इन 2019 कॉलेज एक्स वाई जेड हैड 150, 250 एंड 300 स्टूडेंट्स। कब की बात कर रहा है भाई, 2019 की, ठीक है। 350 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, सॉरी एक्स वाई 150 इतना ग्रेजुएट स्टूडेंट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल गॉट प्लेसमेंट। तो बहुत आसान है, पहले साल कितना हो रहा है इसमें, एक्स में 76%, तो 150 का 76% कुछ भी नहीं करना है भाई। 2, 3, 2, 38, 76, 3, 8, 24, 3, 3, 9, 2, 11, 124 हो गया किसका, एक्स का। वाई का कितना है भाई, 48%, 250 का 48%, ये भी आसान है भाई। 5, 2, 24, 24, 5, 120, वाई का कितना हो गया 120। जेड की बात करें तो कितना है भाई, 64%, और यहाँ पे वैल्यू कितना है 364, सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, बट मैं बता दे रहा हूँ 3 चौके 12, 3 छक 18 और 1 19, 4 2 6, लास्ट डिजिट 6 एक ही में आ रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी मन को तसल्ली के लिए आप ऐड कर लीजिए, 9, 2, 11, 1, 12 क्या पूछा गया आपके स्टैंडर्ड टोटल प्लेस्ड, तो आपका बन गया है आपका 2, 2, 1, 2, 2, 4 है भाई, ये गलत मार्क हो गया, 2, 1, 4, 2, 6 सही है, 1, 2, 3, 9, 3, 12 और 426 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 1 मिनट। एक्स में कितने हैं, 150, 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 150 और परसेंटेज कितना आपका 76%, 150 × 76, 3, 2, 38, 3, 8, 24, 3, 3, 9, 2, 11, 124, ठीक है ये। दूसरा कितना आपका 48%, तो 250 का 48%, 5, 2, 24, 5, 120, ये भी सही है। और तीसरा कितना आया 300, और इसका परसेंटेज कितना है 64%, 2200, इसको करेंगे हम 3 चौके 12, 3 छक 18, 1 19, 4 2 6, 9 2 11, 1 12, ये तो 426 आ रही है वैल्यू, क्वेश्चन में कहीं ऑप्शन तो मिस्टेक नहीं लिखा गया है। ये 350 है एक्चुअल, क्वेश्चन आप देखेंगे ना यहाँ पे गड़बड़ होगा, ये जो वैल्यू दी गई है वो आपकी दी गई है 350, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा। जो 300 है ना वो आपका दिया हुआ है 350, ठीक है, इसको सही कर लीजिए। ये जो वैल्यू है ये आपकी है 350, इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा। फिर तो 2 था, ये 5 था, 2, 24, 5, 120 और 350 का कितना परसेंट 64%, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 7 और ये बन जाएगा आपका 2, ये हो गया 32, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 22, तो 4 4 8, 2 2 4 1 5, 2 2 4 यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 5 8, क्लियर। तो यहाँ पे आपका प्रिंटिंग मिस्टेक था, इसको कर लीजिएगा आप 350। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। करना इन द कॉलेज 200, सारे कॉलेज का दिया गया है 200, 200, 300, 300, 150, ये स्टूडेंट ग्रेजुएट इन द ईयर 2015 से 2021 में,
ठीक है, वाई की बात करा, सब जगह कौन से कॉलेज की बात किया जा रहा है, कॉलेज वाई की। आगे दिया क्या है आपका कि 200, 200, 300, 300 सब में, और पूछा गया है व्हाट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अनप्लेस, ये जो दिया गया डाटा वो प्लेस का दिया गया, आपसे पूछा गया अनप्लेस का। तो देखिए नंबर ऐसे दिए गए हैं कि फटाफट कैलकुलेट करेंगे, जैसे देखिए 2015 में 83% प्लेस हुए हैं, तो अनप्लेस कितने हो गए 17%, 200 का 17%, 17 × 34 ये हो गया आपका 2015 का। 16 में कितने हो गए हैं 39% प्लेस हो गए हैं, यानी 61% प्लेस नहीं हुए, तो इसका 61% 2 × 2 = 12, ठीक है। अगले में कितने हो गए हैं 63 प्लेस हो गए हैं, तो 37 प्लेस नहीं हुए होंगे, 37 को 3 से करेंगे, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9 = 2 = 11, ये हो गया। अगले में कितने हैं भाई 44% प्लेस हो गए हैं, तो कितने प्लेस नहीं होंगे 56%, 150 का 56% निकाल लीजिएगा, दिक्कत है तो वैसे तो कर सकते हैं आप, 3 × 2 = 28, 28 × 3 = 84, यहाँ पे 48 प्लेस हो गए हैं, तो बचे कितने आपका 52 किसका 300 का, 300 का 52 यानी 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अगले में कितने भाई 77% हो गए हैं, तो बचे कितने 23%, 200 का 23% 23 × 2 = 46। अगले में 38% हो गए हैं, बचे कितने हैं 62%, कर लीजिए दिक्कत है तो × 62/100, 5 × 2 = 31, ऊपर लिख देता हूँ मैं 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, ऐड करिए 6 × 6 = 12, 4 × 16 = 17, 19 × 6 = 12, 4 × 16 = 17, 19 × 23 = 5, 28, अंत में 8 एक ही नंबर में, अच्छा दो नंबर में आ रहा है, एक बार और कर लीजिए 28, 2 × 4 = 6, 5 × 6 = 11, 8 × 9 = 20, 2 × 2 = 22, 3 × 25 = 30, अब तो यकीन हो गया यहीं आएगा, और 4 × 3 = 7 यानी 708, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है द हाइट ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 20% बेस इज डिक्रीज बाय 10% द चेंज इन एरिया, ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया। एरिया क्या होता है, बेस और हाइट पे डिपेंड करता है, मैंने बता रखा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको इंक्रीज किया गया 20% यानी 120/100, इसको डिक्रीज किया गया 10%, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे जाके परसेंटेज की वीडियो में मेंसुरेशन बेस क्वेश्चन देखिएगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कराया गया है। 100 से वैल्यू कितनी हो गई 108, यानी कितना इंक्रीज हो गया आपका 8%। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, करिए मारिया टेल्स हर डॉटर, यानी मारिया अपनी बेटी से क्या कह रही है भाई कि आई वाज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बर्न, यानी जब ये पैदा हुई और अभी इसकी एज मान लीजिए कुछ भी है, जैसे मान लिया एक्स, तो ये कह रही है कि इसकी जो इस समय एज है, आई वॉज ऑफ योर प्रेजेंट एज वेन यू वर बर्न, यानी जब ये पैदा हुए बर्न, तब इसकी जो एज थी वो क्या रही होगी एक्स रही होगी, यही मोटा मोटी कह रही है, समझ में आ रही बात। ये अपनी बेटी से कह रही है कि अभी जो तुम्हारी एज है मैं उस एज की थी, कब, जब तुम पैदा हुए थे, तो आप देखो कि ये पैदा कितने साल पहले हुई होगी एक्स साल पहले, तो ये जो गैप है वो एक्स साल का है, तो यहाँ पे मारिया की वैल्यू कितनी रहेगी 2x रहेगी या नहीं रहेगी, क्लियर है। जैसे सिंपल समझिए कि मान लीजिए कोई आपका बच्चा है 20 साल का, तो ये पैदा कब हुआ होगा 20 साल पहले, अब आप कह रहे हो कि जितनी तुम्हारी एज है मैं उस समय इतने का था, तो अभी आपकी एज कितने साल की होगी 40 साल की होगी या नहीं होगी, तभी तो ये 20 साल पहले पैदा हुआ होगा यानी 0 का, तो आप 20 साल पहले कितने के रहे होंगे 20 साल के ही करें ना, आई वाज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू आर बॉर्न, जब तुम पैदा हुआ मैं तुम्हारी प्रेजेंट एज का था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया 2x। कह मारिया की जो एज है वो क्या है 2x है, इस 2x की वैल्यू कितनी है 58, तो एक्स की वैल्यू 29, यानी मारिया की जो डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज क्या है 29, आपसे पूछ रहा है 10 साल पहले, तो कितना हो जाएगा 19, यही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर। एजेज में ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं, आप एजेज भी निकाल के देखेंगे तो उसमें ऐसा था आई वाज 3 times एज व्हेन ओल्ड एज, ऐसे करके लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 200 पीपल 75% कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी, 65% कैन प्ले हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट,
20% कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 50% कैन प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, 50% कैन प्ले हॉकी एंड 5% कैन नॉट प्ले ऑल द थ्री गेम्स। ये भी अगर आपको याद होगा तो वेन डायग्राम है, परसेंटेज में कराया गया, तीन तरह के गेम है, तो पहले तीन सर्कल बना लीजिए चुपचाप। एक बना लिया हमने क्रिकेट, एक क्या बना लिया भाई फुटबॉल, और एक बना लिया हॉकी। टोटल बंदे जो हैं वो कितने हैं, 200। कह रहा 75% कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी। तो कहने का मतलब ये भी उसमें आएगा, ये भी आएगा, तभी हम नहीं भरते हैं, आगे बढ़ते हैं। 65% प्ले हॉकी और फुटबॉल, 65 ये भी नहीं भरना बने। 20% कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 20 जो है वो क्या है आपके, फुटबॉल एंड हॉकी है। लेकिन फुटबॉल एंड हॉकी भी ये पूरा है, सिर्फ ये नहीं, ये होता तो बोलता ओनली फुटबॉल एंड हॉकी बोथ, बट ये भी हो गया, ये भी बात नहीं। 15% के लिए प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, 15 जो है हॉकी एंड क्रिकेट है, उसमें भी ये अड़ंगा डाल रहा है। अच्छा ये दे दिया, 5 कैन प्ले ऑल द थ्री, 5 जो है ऑन 50% कैन प्ले हॉकी, 50 जो है वो हॉकी वाले हैं, तो हॉकी भी ये पूरा है, इसमें भी इंडिविजुअल कुछ नहीं है, हॉकी के बाहर हम 50 लगा सकते हैं कि चलो भाई हॉकी वाले तो 50 हमें मिल गए। यहाँ दे दिया 5% कैन प्ले ऑल थ्री, अब हम भर सकते हैं, 5 क्या हो गए, सारे वाले हो गए। फिर ऊपर चलिए 15 जो है हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी एंड क्रिकेट वाले कितने हैं, 15। तो देखिए हॉकी एंड क्रिकेट का ये बना, समझिएगा जो लोग नहीं पढ़े, ये बना हॉकी एंड क्रिकेट का, इसमें कितने हैं, 15 में 5 ऑलरेडी आप भर चुके हैं, तो इसके लिए जगह कितना बच गया, 10 का। 20 जो है वो फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी का ये पूरा का पूरा घर है, कितने का, 20 का, तो 20 में आप 5 भर चुके, तो इसके भी हिस्से कितना आया, 15। ठीक है, क्लियर। अब कह रहा है 75% कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, 75 जो है वो क्या है आपके, क्रिकेट और फुटबॉल में है। ठीक है, और 50% कैन प्ले हॉकी, हॉकी की अगर बात करें तो 50 है, यानी ये पूरा का पूरा मिलके जो है वो आपका क्या है, 50 है। 75% कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, अगर हम यहाँ पे भरते हैं, मान लीजिए ये ए है और ये मान लीजिए बी है, ए और बी वाले जो हैं, एक डाटा और देना चाहिए, इसमें क्वेश्चन नहीं है या कुछ मिसिंग है, एक बार देख लिया जाए। इन अ ग्रुप ऑफ 200 पीपल 75% कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल बट नॉट हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी, यानी ये इधर आ गए। 65% कैन प्ले हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट। 20% कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 20% फुटबॉल एंड हॉकी, अच्छा ये 20% प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, इसको तो हमने अभी यूज ही नहीं किया, फुटबॉल एंड हॉकी ये रहा ना, फुटबॉल एंड हॉकी। तो यहाँ पे हमने 20 कहाँ से भर दिया, एक सेकंड, 20% कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 20% जो है आपका ये गलत भर गया, इसका मतलब ट्वेंटी परसेंट कैन प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, तो फुटबॉल एंड हॉकी तो अपना इधर है, 20 फुटबॉल एंड हॉकी वाले थे, 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 15। 20 फुटबॉल एंड हॉकी, 15% कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल का जो है वो आपका 15 है, ये यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, ये तो 15 दे दिया, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, 15% जो है वो भी आपके हैं क्रिकेट एंड फुटबॉल के, तो ये 5 इसमें भरा हुआ है, इसमें क्या आ जाएगा, 10, ये मिसिंग था, 15% जो है वो क्या है, क्रिकेट एंड फुटबॉल। ठीक है, अब बात बन जाएगी, ये पूरा का पूरा आपका किसका है, हॉकी का है। ठीक है, तो हॉकी में आप ध्यान से देखिए, 15 और 5 20 और 10 30, यानी यहाँ पे कितने बच गए, 20। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे, कह रहा है कि 75% कैन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल, 75% जो है वो क्या कर रहे हैं आपका, क्रिकेट और फुटबॉल, और 65% कैन प्ले हॉकी और फुटबॉल। तो देखिए हॉकी और फुटबॉल इधर है, इसमें कितने हैं, 65। तो देखिए हॉकी और फुटबॉल में ना आपका ये वाला पार्ट नहीं आएगा,
यानी ये 20, 15 और जो बी है ये आएगा, इसमें आने हैं कितने 65 लोग, तो 20 और 10 30 5 15 हो 35 हो गए, बचे कितने 30, यानी यहाँ पे कितने आ जाएंगे 30। और 75% जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल है, यानी ये पूरा नहीं आना है अपने पास, ये पार्ट नहीं आना है, ये और ये आना है, इसमें कितने हैं 75, तो 30 और 10 40, तो यहाँ पे कितने आ गए 35। क्लियर। अब हम आंसर करें, हाउ मेनी पर्सन प्ले एग्जैक्टली वन गेम, तो एग्जैक्टली वन गेम का मतलब 35 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 2 से, तो 20 30 50 30 80 5 85, ये क्या हो गया आपका 85 हो गए, जो एग्जैक्टली वन गेम खेल रहे हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका देखते हैं, ये डायग्राम आपका बना होना चाहिए तब जाके बात बनेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ आपका, हाउ मेनी पर्सन डू नॉट प्ले एनी गेम, कितने पर्सन हैं जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, तो इसके लिए आप सबको ऐड कर लीजिए। जो 20th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे हैं, चूंकि हम लोग क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा कि ये ग्राफ गायब हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपका अलग से पढ़ के बता दे रहा हूँ कि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ, हाउ मेनी पर्सन डू नॉट प्ले एनी गेम, कोई भी गेम नहीं खेल रहे। तो देखिए इसको ऐड करने का तरीका क्या है कि ये पूरा का पूरा ऐड करेंगे तो 50 और 30 80 80 और 10 90, 90 और 35 125, 125 लोग जो हैं, मैं 20 का आंसर बता रहा हूँ, आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी होगा, 125 लोग जो हैं वो खेल रहे हैं, तो 75 लोग ऐसे होंगे जो कोई भी गेम नहीं खेल रहे होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका दिया गया है वो क्या दिया गया है देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 20 तो हो गया, 21 जो दिया गया है वो पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी पर्सन प्ले एग्जैक्टली टू गेम, तो एग्जैक्टली टू गेम देखिए ये क्या है, 10 10 20 10 30 5 35, यानी कितने पर्सन 35% ऐसे हैं जो दोनों गेम के एग्जैक्टली दो गेम। और जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन कैन प्ले ओनली फुटबॉल, तो ओनली फुटबॉल वाले कितने हैं 30 है, यानी जो 22वां क्वेश्चन होगा आपके उसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्लियर। तो एक बार आपका डायग्राम बन गया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैंने यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन पढ़ के बता दिया, आप लोग देख लीजिएगा आपके पास क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये बार बार बनाना पड़ता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, लाइट भी गई है। देखिए हाउ मेनी पर्सन डू नॉट प्ले एनी गेम, हाउ मेनी पर्सन प्ले एग्जैक्टली टू गेम, हाउ मेनी पर्सन कैन ओनली फुटबॉल, ठीक है। अब इसके बाद से आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा 4% पी क्यू आर एस आर वर्किंग इन द सेम कंपनी, द सम ऑफ द इनकम ऑफ पी एंड क्यू इज मोर देन दैट ऑफ द आर एन एस, यानी पी और क्यू की जो इनकम है वो क्या है आपकी, ज्यादा है किससे, आर और एस से। द सम ऑफ द इनकम ऑफ पी एंड आर इज द सेम एज, द सेम दिया हुआ है, इज द सेम एज द इनकम ऑफ क्यू एंड एस, मोर ओवर पी अर्न हाफ एज मच एज द सम ऑफ इनकम ऑफ क्यू एंड एस। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज द हाईएस्ट इनकम, किसकी इनकम हाईएस्ट है, तो यहां से देखते हैं। वैसे ऐसा क्वेश्चन एक बार सी साइड में भी पूछा हुआ है, इसी से मिलता जुलता, तो यहां से अगर देखा जाए तो क्या बनेगा आपका, 2p = q + s, यानी q प्लस एस की जगह मैं चाहूं तो 2p लिख सकता हूं, तो p प्लस आर की जगह 2p, तो यहां से r इक्वल टू क्या हो जाएगा p। कह रहा है कि किसकी हाईएस्ट इनकम है, तो r और p तो इक्वल हो गए, ये तो अपने ऑप्शन में होंगे ही, जब r और p इक्वल हो गए तो ये दोनों यहां से भी हट जाएंगे क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, सीधे सीधे क्या दिख रहा है q इज ग्रेटर देन s, तो ऑब्वियस सी बात है r और p आपस में इक्वल है तो ये तो हाईएस्ट हो नहीं सकते, और सी एन डी का ऑप्शन है नहीं, समझ में आ रही बात, तो ले देके जो आपका q की जो इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट हो जाएगी। चलिए तो ये भी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे आते हैं। करा स्टूडेंट इज प्रैक्टिसिंग सम मैथ्स प्रॉब्लम इन द फर्स्ट आवर ही सॉल्व 3 प्रॉब्लम, यानी पहले घंटे में उसने कितने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए 3, दूसरे घंटे में 5, तीसरे घंटे में 7, चौथे घंटे में
ऐसे ही करता जा रहा है, 10 घंटे में कितने प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो देखिए ऐसे तो 10 घंटे बना के सबको ऐड कर लीजिए अगर आपको कुछ नहीं आता। बाकी जिन लोगों को पता होगा ये क्या है एपी है, तो एपी का सम क्या होता है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मतलब कितने टर्म थे यहाँ पे, कितने घंटे हैं, 10 घंटे, तो 10/2 यानी 5। टू ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म यानी 3, तो 2 × 3 प्लस एन का मतलब यही नंबर कितना था 10 − 1 9 इंटू डी। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, कितने का है भाई 2 का, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, 2 × 3 = 6 प्लस 9 × 2 = 18, 18 × 6 = 24, 5 × 24 = 120 घंटे। क्लियर, चलिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, तो ना कुछ आता तो सीधे सीधे 10 मिला के ऐड करके आंसर निकाल सकते थे आप लोग अगर टाइम आपके पास पर्याप्त होता तो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्सीड 200% ऑफ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद से खत्म हो जाना है मैथ्स के जो भी क्वेश्चन थे। कहता है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्स इज 200% मोर देन डेट ऑफ वाई, यानी एक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो वाई से क्या है 200% ज्यादा है, एंड 75% लेस देन डेट ऑफ जेड, यानी 3 आर्टिकल आगे इनके सीपी की बात कर रहा है, आगे क्या कर रहा है सेलिंग प्राइस की भी बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये। कह रहा है जो एक्स का कॉस्ट प्राइस है वो आपका क्या है, ठीक है यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एक्स इज 200% मोर देन डेट ऑफ वाई, ये क्या है आपका 200% ज्यादा है वाई से। तो अगर मैं वाई की वैल्यू को 100 रुपये मान लूँ तो ये इससे 200% ज्यादा, यानी ऑब्वियस कितना हो गया आपका 300। और कह रहा है 75% लेस देन डेट ऑफ जेड, तो 75% जेड से लेस है, यानी 75% लेस का मतलब 25%, तो 25% की वैल्यू 300, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1200, इतना आपको परसेंटेज आना चाहिए। कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स इज 500% मोर देन डेट ऑफ जेड, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो जेड से क्या है 500% मोर है। अब देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू माना है तो यहाँ पे वैल्यू नहीं ले सकते, यानी वेरिएबल ले लेते हैं। जेड का अगर मैं सेलिंग प्राइस मान लूँ 100x, तो इससे 500% ज्यादा, यानी कितना हो गया 600x। क्लियर, करा इफ द प्रॉफिट ऑन आर्टिकल एक्स इज, आर्टिकल एक्स पे जो प्रॉफिट है वो ट्वाइस है डेट ऑन वाई, यानी एक्स का जो प्रॉफिट है वो वाई के प्रॉफिट का क्या है डबल है, और जेड के लॉस का भी डबल है। तो अगर मैं एक्स का प्रॉफिट पूछूं तो प्रॉफिट क्या होता है आपको पता होगा 600x − 300, ये जो है वो डबल है किसके जेड का लॉस पे, लॉस हुआ इस बेचारे को, लॉस मतलब CP − SP। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 600x − 300 = 2400 − 200x, यानी 800x = 2700, देन x = 27/8। हमसे कह क्या रहा है कि जो x का प्रॉफिट है वो डबल है y के प्रॉफिट का, तो x का जो प्रॉफिट है वो क्या है आपका 600x − 300, ये तो x का प्रॉफिट था, ये y का डबल है, तो ऑब्वियस सी बात है y का जो प्रॉफिट होगा इसका हाफ होगा, यानी कितना 300x − 150, ये y का प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि x का प्रॉफिट इसका क्या है डबल है। पूछ क्या रहा है रेशियो प्रॉफिट ऑन आर्टिकल y, यानी आर्टिकल y का जो प्रॉफिट है इसका रेशियो टू इट्स कॉस्ट प्राइस, ये पूछ रहा है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, सॉरी x की वैल्यू पुट करनी है, काम खत्म। आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे क्या करिए आप 150 को चाहे तो कॉमन ले लीजिए, इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 2x, तो 2 × 27/8 − 1, कैलकुलेशन से बचने का ये तरीका है। 100, ये बन गया 2, ये बन गया 3, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, कटिंग हो जाएगी, ये 4, 27, अब यहाँ पे क्या है 3, तब देखिए 27 और ये 4 कितना बन गया आपका 23, 23 × 69/4 = 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 69:8, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर,
तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आए थे, जिनको सॉल्व करने की मैंने कोशिश की हुई है। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।